तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल कैसे निकाला जाता है, एसएमएस डिटेल कैसे निकाला जाता है, उसी के बारे में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं बता दूं कि मैं यहां पर जो है एयरटेल का जो है कॉल डिटेल निकाल रहा हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है टेक्स्ट मैसेज में आ जाना है और यहाँ पर जो है आपको जो है मैसेज टाइप करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो है कैपिटल लेटर में लिखना है EPRE, उसके बाद BILL बिल लिखना है, उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको जो है जिस मंथ का आप कॉल डिटेल निकालना चाहते हैं वह मंथ जो है आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि अगर आपको जो है जनवरी का निकालना है तो जनवरी के शुरुआत के 3 लेटर को आपको यहाँ पर टाइप करना है। अगर आपको फरवरी निकालना है तो फरवरी के शुरुआत के 3 लेटर जैसे FEV लिखना है। उसके बाद अगर आपको इसी तरीके से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये सब का निकालना है तो शुरुआत के 3 लेटर को जो है आपको टाइप करना है। जैसे कि हमें अगस्त का निकालना है तो हमें अगस्त का शुरुआती 3 लेटर टाइप कर देना है, जैसे AUG। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेस दे देना है। स्पेस देने के बाद आपको ईमेल आईडी फिल करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको जो है ये वाले नंबर पर सेंड कर देना है 121। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको जो है एक मैसेज जो है सेंड हो चुका है और इस मैसेज में जो है आपको एक पासवर्ड मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डायरेक्टली पासवर्ड अगर नहीं मिलता है तो सिंपली आपको जो है एक इस तरीके का मैसेज प्राप्त होगा। इस मैसेज में जो है आपको 6 नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा 4DND। तो सिंपली आपको जो है क्या करना है, 6 टाइप करके जो है इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है और आपको जो है इस तरीके से पासवर्ड जो है प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही आपको ये पासवर्ड प्राप्त होता है तो फ्रेंड्स, आपको अपना ईमेल आईडी ओपन करना है और वहाँ पर आपको चेक करना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ईमेल को ओपन करना है, खोलना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ईमेल को ओपन करेंगे तो ईमेल का इंटरफेस आपका इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पर जो है नीचे में आपको जो है PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर दबा करके आप जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर कुछ विशेष बातें लिखी हुई है। यहाँ पर बता रहा है डाउनलोडिंग इज डिसेबल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बता रहा है कि आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। इस PDF को अब हमें किस तरीके से डाउनलोड करना है अब हम इसे जानते हैं। तो इसके लिए हमें जो है मैसेज के ऊपर में चले आना है। जैसे हमें यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली लुक सेव पर क्लिक करके इसे वेरीफाइड कर देना है। उसके बाद अब जो है आप जो है इसे डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये जो है सिंपली आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आप डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका PDF यहाँ पर जो है डाउनलोड हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। चाहे तो फ्रेंड्स, आप फाइल मैनेजर को ओपन करके भी जो है PDF को देख सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली मैं फाइल मैनेजर पर आ गया हूँ और यहाँ पर जो है हमें अपना फाइल को ढूंढना है। तो सिंपली मैं फाइल को ढूंढ लेता हूँ। तो इसके लिए डोस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर फाइल जो है डाउनलोड हो चुका है। अब मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है पासवर्ड फिल करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर जो है आपको पासवर्ड फिल कर देना है। तो कौन सा पासवर्ड फिल करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको मैसेज के रूप में आया था यही वाला पासवर्ड आपको फिल करना है। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आपको यहाँ पर दिखा रहा है इस पासवर्ड को आपको फिल कर देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर ये वाले पासवर्ड को फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है पूरा PDF जो है यहाँ पर अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आप सारा चीज़ देख सकते हैं कि आपने जो है कब किसको फ़ोन किए थे, आपको जो है कौन कौन फ़ोन किया था, कितना मैसेज आया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो है जेन्युइन तरीका है जो कि आपको जो है एयरटेल ये सुविधा आपको देता है। तो सारा चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा।